press the bell icon on the YouTube app and ne- सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इस भारत पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो बहादुर और सशक्त महिलाएं। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी हिंदुस्तानी शेरनी और भारत की बेटी नाजिया राय खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं और आज ये कई सारी साजिशों को एक्सपोज करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। 2005 12:01 पर श्रीमती ममता बैनर्जी ने कागजों का एक पूरा बंडल स्पीकर के मुंह पर फेंका था। स्पीकर के मुंह पर फेंक करके कहा था कि जानबूझ करके आप लोग एनआरसी और सीए नहीं करवा रहे हैं, ताकि लेफ्ट फ्रंट बोगस वोटर्स, फेक वोटर्स और घुसपैठिया के वोट से जीतता रहे। ये तो ममता बैनर्जी ने बताया था, तब जाकर के बीजेपी को पता चला। तो पर सीए एनआरसी आज ममता बैनर्जी विरोध कर रही है, लेकिन कल तो वही स्पीकर के मुंह पे कागज फेंक रही थी। उन्होंने ही तो पार्लियामेंट से लेकर के इस पूरे देश को बताया, इस पूरी दुनिया को बताया था कि पश्चिम बंगाल में बोगस वोटर्स, फेक वोटर्स और घुसपैठिया भरे पड़े हैं। उसी पर जब इम्प्लीमेंटेशन सीएए का हो गया तो ममता बैनर्जी उसके खिलाफ हो गई। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि ममता बैनर्जी के कहने पर 4 जून के बाद तुरंत एनआरसी भी इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, तुरंत कर देना चाहिए। और आज बशीरहाट की कॉन्स्टिट्यूएंसी श्रीमती ममता बैनर्जी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वैल्यूबल है, क्योंकि अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट जीत जाती है तो जितना भी वक्फ बोर्ड का जो लैंड माफिया वहां पर चल रहा है, वहां पर हाजियों का जो नंगा नाच चल रहा है, वहां पर मछलियों का जो स्मगलिंग चल रहा है, मछलियों के पेट में डाल करके माधव प्रचार जो वहां पर चल रहा है, जो हम फिल्मों में देखा करते हैं, उसके बाद फिर मानव प्रचार जो वहां पर चल रहा है, वहां पर खेती का प्रचार जो वहां पर चल रहा है, वहां पर मांस बलात्कार जो चल रहा है, वहां पर अल्कोहल का जो इलीगल धंधा चल रहा है, वहां पर ईरान, तेहरान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से मंगवा करके जो ड्रग्स हीरोइन और गांजा और कोकीन का धंधा चल रहा है, और साथ साथ घुसपैठियों को घुसाने का जो धंधा चल रहा है वो पर्दाफाश हो जाएगा, और इस धंधे से आने वाला एक बहुत बड़ा इनकम वो भी बंद हो जाएगा। पर एक चीज ये भी है कि ममता बनर्जी आजकल बहलाग में बहुत कुछ उल्टी सीधी बातें बोल रही है। वो कहती हैं कि उन्होंने इतने काम कर दिए पश्चिम बंगाल में कि अगर वो उसके बारे में बताने लगे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। मतलब वो आजकल अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगी है, क्या वो भी आसमान से उतर कर आई है? हाँ, वो अभी ममता बैनर्जी इज अबव डिवाइन। और मैं चाहूंगी अंजू जी कि मैं वो क्लिपिंग आपके चैनल पर चलाऊं, ताकि कोई भी व्यक्ति मुझे या आपको कल को डिफेम ना करे और गालियां, क्योंकि मुसलमान बहुत गालियां परोसते हैं कि झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं बोली है ममता दीदी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि लोग सुन लें कि ममता दीदी ने ये बात बोला है। बांग्ला में क्या कह रही ममता बनर्जी? इन्होंने कहा है कि वो 70 स्कीम यहाँ पर बंगाल में चला रही हैं और अपने जीवन की कहानी और अपना स्ट्रगल वो बताना स्टार्ट करेंगी, तो रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान सब शेष हो जाएगा, सब फिनिश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, पर उनकी कहानी खत्म नहीं। सारे धर्मों को एक स्टेटमेंट में उन्होंने अब्यूज किया, उन्होंने डिफेम किया, उन्होंने मलाइन किया, उन्होंने बेइज्जत किया, उन्होंने बेआबरू किया। और देखिए, ये जितने चाटुकारता मुसलमान है जो उनके चप्पल को चाट चाट करके सफेद रखते हैं, जो उनका चप्पल चाट चाट करके नया रखते हैं, आज ये दाढ़ी टोपी वाले कहाँ गए हैं? क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं ममता बैनर्जी के आंख में आंख डाल करके कि तुमने अल कुरान कैसे सेस कर दिया, तुमने अल कुरान के खिलाफ कैसे बयानबाजी कर दी, तुमने अल कुरान की इतनी बड़ी बेइज्जती नाउज़ु बिल्लाह तुमने कैसे की? और मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल के हिंदू भी सोए हुए हैं। पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को भी कोई आपत्ति नहीं हो रही है कि उन्होंने महाभारत और रामायण को भी सेस कर दिया। अभी हालिया में उन्होंने इतनी अभद्र टिप्पणियां, इतना डिफेम किया था रामकृष्ण मिशन को,
उन्होंने आइस्कॉन टेम्पल को उन्होंने डिफेम किया, उन्होंने भारत सेवा संघ को डिफेम किया जो धार्मिक स्थान है जिनका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक नाता नहीं है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनके पास व्हाट्सएप के प्रूफ है चिटचैट के कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी टूल किट की तरह रामकृष्ण मिशन को, भारत सेवा संघ को और आइस्कॉन टेम्पल को यूज कर रही है। और उसके बाद जब वहां के महावीर जी ने और प्रभु जी ने जब उनसे वो व्हाट्सएप चिटचैट मांगा तो वो बैकफुट ले ली, सीधा बैकफुट ले ली। अब मैं पूछना चाहती हूं कि जब सर्वोच्च जब कैलकटा ऑनरेबल कैलकटा हाईकोर्ट जब दीदी से ओएमआर शीट मांगता है तो दीदी के पास ओएमआर शीट नहीं होता है, सर्वोच्च न्यायपालिका जब दीदी से एसएससी स्कैम में ओएमआर शीट मांगता है तो दीदी के पास ओएमआर शीट नहीं होता है, जब वो मुसलमान घुसपैठिया मुसलमानों को खुश करने के लिए और उनके वोट के लालच में हिंदू और मुसलमान दोनों का हक छीन करके, बंगाल के हिंदू और मुसलमान दोनों का हक छीन करके वो घुसपैठिया मुसलमानों को ओबीसी सर्टिफिकेट बांटती हैं, और जब ओबीसी कमीशन से लेकर के सर्वोच्च न्यायपालिका से लेकर के कलकत्ता हाईकोर्ट तक उनसे वो डेटा मांगता है तो उनके पास वो भी नहीं होता है। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि दीदी के सरकार में 12 साल में तोलाबाजी, घूसबाजी, रेप, मांस बलात्कार, मानव प्रचार, माधव प्रचार, मद मतलब एल्कोहल प्रचार, इलीगल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये चला एकदम चला। मां माटी मानुष का नारा लेने वाली श्रीमती ममता बैनर्जी, मां को निर्वस्त्र किया गया 2012 से लेकर के 2024 तक सिर्फ निर्वस्त्र किया गया। आप नासिर खान और कादर खान ने जो बलात्कार किया है, स्टार्ट किया है, वो आज तक 2024 संदेश खाली तक चल रहा है। उसके बाद माटी आता है उनके नारा का, इलीगल कंस्ट्रक्शन और मिट्टी का सौदा तो ऐसा कर दिया ममता बैनर्जी की सरकार और ममता बैनर्जी के नेतृत्व में कि आर्मी की कैंटोनमेंट जमीन पर भी कब्जा करके उसको 10,000 रुपए स्क्वायर फीट बेचा गया। मैंने खुद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके रखा हुआ है दमदम म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन के ऊपर। अब आते हैं मानुष पर, मानुष की क्या इज्जत है हमारे यहाँ माइनर बच्चियों का बलात्कार होता है तो ममता बनर्जी कहती है प्रेगनेंटी लव अफेयर था। हमारे यहाँ बूढ़ी बूढ़ी महिलाओं 72 साल की महिला का बलात्कार होता है, ममता बनर्जी कहती है नहीं उसी की गलती थी। हमारे यहाँ पंचायत इलेक्शन के वक्त 62 साल की बूढ़ी बुजुर्ग माँ का, दादी माँ का बलात्कार हुआ है उसके पोते को बैठा करके सामने में। हमारे यहाँ मानुष की इज्जत ऐसी है कि उनके हक की नौकरी छीन करके वो 5-5 लाख 15-15 लाख में नौकरियां बांटती हैं, और मानुष यहाँ का, बंगाल का मानुष यहाँ पर 2-2 साल से रोड पर बैठ करके धरना देता है। एक नारा 2021 में ममता बनर्जी ने स्लोगन लगाया था, एक नारा निकाला था, बंगाल बंगाल मे के चाय कितने बजे चाहता है, रात में 2 बजे, रात में 3 बजे, क्योंकि संदेश खाली में शेख शाहजहां तो रात के 12 बजे के बाद ही बुलाता था, यही बंगाली औरतों को ही बुलाता था ना, और देख देख करके, आलता देख करके, सिंदूर देख करके, मंगलसूत्र देख करके, शाखा पौला देख करके, बिछिया देख करके तब बलात्कार हुआ है, मुसलमान बेटियों का तो बलात्कार नहीं हुआ है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमान बेटियों का बलात्कार नहीं होता है लेकिन हिंदू क्रिश्चियन बेटियों का बलात्कार धड़ल्ले से होता है, क्यों? अब मैं अंजू जी आपके सामने पश्चिम बंगाल में 2011 से 2024 तक का करप्शन का पिटारा खोलना चाहती हूँ जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। क्या 2014 में शारदा ग्रुप फाइनेंशियल स्कैंडल नहीं हुआ? क्या रोजवेली फाइनेंशियल स्कैंडल नहीं हुआ? क्या 2016 में नारदा स्कैम नहीं हुआ? क्या 2022 में कोल स्कैम केस नहीं हुआ? क्या 2022 में कैटल स्मगलिंग केस नहीं हुआ? क्या 2022 में वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस रिक्रूटमेंट स्कैम नहीं हुआ? क्या एलिगेशन ऑफ एक्सटॉर्शन का हम लोगों ने नहीं देखा? हमने सब देखा है। अब इसके बाद में पूछना चाहती हूँ कि भाई टीएमसी के आधे नेता मंत्री तो जेल में है और आधे नेता मंत्री इंडिया अलायंस के साथ मेल में है, एकला चलो का गाना तो सिर्फ दीदी गा रही है। कल श्रीमती ममता बनर्जी के लाडले मंत्री फरहाद हकीम और कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर साहब ने कल उन्होंने क्या किया है कि एक वीडियो बनवाया है कि दीदी ने फ्लो में रामायण महाभारत बाइबल और अल कुरान की बेइज्जती कर डाली, फ्लो में कर डाली, क्योंकि मैंने
जब बंगाली न्यूज चैनल पर ये वाला बाइट दिया था तो वो वायरल हुआ था और मेरे ट्विटर पर मुसलमानों ने इतनी गालियां दी कि वो गालियां दे दे करके उसको वायरल कर दी है। मैंने तो सिर्फ पोस्ट किया था, अब मुसलमान उसमें गाली दे दे करके उसको वायरल कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है भैया? तो फरहाद हकीम साहब मुझे जवाब देने के लिए उन्होंने बजाफते एक वीडियो बनाया, पर्सनल वीडियो बनाया, और उन्होंने कहा कि मुसलमान महिलाएं श्रीमती ममता बैनर्जी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि अभी जो मैंने आपको सुनाया है, क्या मैंने अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाई है? नहीं, श्रीमती ममता बैनर्जी ने बेइज्जत किया है भाई, उन्होंने उन्होंने जलील किया है, रामायण को किया है, महाभारत को किया है, बाइबल को किया है, कुरान को किया है, बिल्कुल किया है। अब मैं मुसलमान हूं, मुझे बुरा लगा है, मैं अपने आप को एज अ डॉटर ऑफ भारत कंसिडर करती हूँ, तो मैंने जो कैवियट किया है, मैंने जो चीफ जस्टिस ऑफ भारत को, मैंने जो सुओ मोटो एक्शन लेने के लिए जो एप्लीकेशन डाला है, मैंने तो उसमें सारे धर्मों के बारे में लिखा है, साफ तरीके से लिखा है कि मैं मुसलमान हूँ। इट्स नॉट मीन कि मैं सिर्फ कुरान की बेइज्जती पर मैं बात करूंगी, मैं रामायण के पक्ष में भी बात करूंगी, मैं महाभारत के पक्ष में भी बात करूंगी, मैं बाइबल के पक्ष में भी बात करूंगी और मैं अल कुरान के पक्ष में भी बात करूंगी। तो सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। तो आज फरहाद हकीम को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उनको एक्सेप्ट करना पड़ा कि ममता बैनर्जी ने फ्लो फ्लो में बेइज्जत कर दिया? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? और अगर फरहाद हकीम साहब ये बात कहना ही चाह रहे थे तो साथ साथ उसका भी पुष्टिकरण कर देते हैं, जो 2021 में उन्होंने एंटी नेशनल स्टेटमेंट द डॉन को दिया था, पाकिस्तान के न्यूज चैनल को दिया था कि कोलकाता पाकिस्तान है। आज उसी कोलकाता के लिए श्रीमती ममता बैनर्जी ने इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी खेली कि उन्होंने दमदम के रोड शो को कन्वर्ट किया मात्र एक घंटे के अंदर कि उन्होंने पाक सर्कस कोलकाता से निकाला और अब वो दमदम उल्टा जा रही है। उन्होंने जान बूझ करके धारा 144 लगाया ताकि मोदी जी का रैली जो है उनकी स्पीच तक लोग ना पहुंच सके, उनकी स्पीच में भीड़ ना हो सके। तो आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे नाज़िया खान जी ने कई सारी चीजों को एक्सपोज किया। खासकर अगर ममता बनर्जी की बात करें, जो कहती कुछ हो रहा है और करती कुछ हो रहा है, खुद पहले ममता बनर्जी ने 144 की धारा लगाई ताकि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जो है वो ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो सके और खुद ही बाद में एक रोड शो भी कर दिया। और ममता बनर्जी वही है जो पहले सीए और एनआरसी के पक्ष में बात किया करती थी, आज उसी के विरोध में खड़ी है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।